हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अमोनिया के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर, वो क्या होता है। देखिए, अमोनिया के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है NH3, जिसमें N ये जो सिंबल है ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंबल H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। ठीक है, 7 एटॉमिक नंबर होने का ये मतलब है कि नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है ये देखते हैं। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो K शेल में होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में होंगे। तो ये है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, जिसमें यह शो किया गया है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के एटम के आउटर मोस्ट शेल एल शेल में नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आउटर मोस्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5। अब लुईस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही शो करते हैं। ठीक, अब यहां पर मैं नाइट्रोजन एटम के लुईस स्ट्रक्चर बनाता हूं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो करता हूं। ये है नाइट्रोजन का सिंबल N और ये नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसे मैंने क्रॉसेस में शो किया है। ये जो मैंने क्रॉसेस बनाए ना, क्रॉस ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 5 क्रॉस है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है नाइट्रोजन एटम की लुईस स्ट्रक्चर। अब ठीक इसी तरह से मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके के शेल में ही रिवॉल्व करता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हुआ के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, सिर्फ 1। तो हाइड्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर इस तरह से बना। यहां पर मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है। हालांकि इसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकता था और करना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पर समझाने के लिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, कौन सा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, यहां पर समझाने के लिए मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है और यहां पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। चलिए, अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनता है। देखिए, नाइट्रोजन की क्या जरूरत है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में। वो 5 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। नाइट्रोजन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए कि उसके न्यूक्लियस के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें। और हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को यह चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें, जबकि एक ही कर रहा है। इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करवाने की जरूरत है, बट इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो सकता है। देखो, अगर ये कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन्स छीन सकता किसी आइटम से तो छीन लेता, ये अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन छीन सकता तो छीन लेता, बट यहां पर चूंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ना तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, ना ही एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स खींच सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगी शेयरिंग। जी हाँ, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो इसके न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करेंगे हाइड्रोजन के, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करेंगे। ठीक, इसी तरह से नाइट्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करेंगे और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। देखिए, ये है नाइट्रोजन एटम, यहां पे देखिए ये है नाइट्रोजन का एटम, इसमें ये 5 क्रॉसेस, ये 5 इसके अपने इलेक्ट्रॉन से ये जो इसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये इसको देखिए, इस वाले डॉट को, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करेगा और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करेगा। ठीक इसी तरह से ये जो क्रॉस है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वैसे ये, तो ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करेगा और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करेगा। ठीक इसी तरह से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का है, ये नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन दोनों के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, और यही कहानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की है। तो टोटल नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, टोटल 8, 5 अपने और 3 पराए। और इसी तरह से हर हाइड्रोजन के अराउंड, हर हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स, एक अपना और दूसरा पराया। तो इस तरह से इनका काम चल गया है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई है। और इस तरह से ये जो हुआ है इसे हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह के जो बॉन्ड्स बनते हैं इन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और यहां पे देखिए, यहां पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने पेयर शेयर हुआ, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुआ है। तो जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
शेयर होता है तो हम कहते हैं इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड की तरह इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। ये है नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, ये भी सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन और ये भी सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। इस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है NH3।